डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन के बारे में, वर्क फंक्शन पढ़ा था हमने, और उसके बाद हमने वर्क फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे, और इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब देखा गया था, स्टार्टिंग में कब आइडिया आया साइंटिस्ट लोगों को कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कोई फिनोमिना होता है। ठीक है, इसमें तीन ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है अपना हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ये साइंटिस्ट है हर्ट्ज। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है अपना होलवर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड है लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनको उस समय आइडिया आया कि कुछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, बाद में सब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली जो थ्योरी है ये आइंस्टीन साहब के द्वारा दी गई। ठीक है, तो बाकी स्टार्टिंग में जब ये आइडिया आया तो इन एक्सपेरिमेंट से कुछ उनको लगा अजीब कि ये क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं ये क्या थे ऑब्जर्वेशन। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या था कि हर्ट्ज साहब ने क्या किया, 1887 में इन 1887 उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो बना रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एसिलेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, तो उस समय उन्होंने देखा कि जैसे ही कैथोड और एनोड, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सपोज ये कैथोड है और ये एनोड है, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होती हैं, तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर स्पार्किंग बढ़ जाती थी। स्पार्किंग बढ़ने का मतलब ये है कि देखो, स्पार्क जो जनरेट करता है वहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई पार्टिकल आएगा लाइक एयर पार्टिकल, तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा होने से वो इसको बर्न कर देता है जिससे अपने को स्पार्क दिखाई देता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग बढ़ रही है, तो उनको लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है जो एमिट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उस समय ये आइडिया आया था पहला कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज या रेडिएशन या फिर लाइट जब आती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इसी को हम बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से पढ़ेंगे। तो ये था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। तो क्या हुआ, इन 1887 जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने उस टाइम देखा कि जैसे ही एनोड पर या कैथोड पर रेडिएशन आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो ये जो एनोड है इसके ऊपर डिस्चार्जिंग या जो स्पार्किंग है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उनसे इस एक्सपेरिमेंट से उनको आइडिया लगा कि यहाँ से कोई ना कोई नेगेटिव पार्टिकल जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया कि वो एमिट हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये था हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। एक चीज और ध्यान रखना, हमने पढ़ा है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और लाइट, ये सब जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको हम रेडिएशन भी बोल सकते हैं। तो कई बार जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मेटल सरफेस से वो इस रेडिएशन से हो जाएंगे, कई बार इससे भी होंगे। क्लियर है कि नहीं, तो ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रेडिएशन काम में आते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। सेकेंड हम बात करते हैं होलवुड्स ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने क्या किया, होलवुड साहब ने एक जिंक मेटल ली, एक जिंक मेटल लिया उन्होंने, सपोज ये जिंक का एक पीस है, और इसको इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रोस्कोप आपको पता है एक इक्विपमेंट है जो किसी भी
ऑब्जेक्टिव पर चार्ज जब आता है तो उसको बताता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रो जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। इसको इसने कनेक्ट किया और इन्होंने देखा कि मान लो ये जिंक प्लेट इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज कितना है भाई इनिशियली जीरो, बट जैसे इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं, तो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर है, ये देखा उन्होंने स्टार्टिंग में। फिर अच्छा इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये था उनका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया कि ये जो जिंक प्लेट है इसको उसने पहले से ही नेगेटिवली चार्ज करके रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, उसको नेगेटिव चार्ज देके रखा, और फिर इसके ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज, तो उन्होंने देखा कि इस प्लेट का जो चार्ज है वो जीरो हो गया। क्या हो गया भाई, जीरो हो गया। तो यहां से भी देखो अपने को क्या आइडिया लग रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ जो नेगेटिव चार्ज था मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा थे वो यहां से चले गए, तो इसका चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया कि जो प्लेट थी इसको पॉजिटिव चार्ज करके रखा उन्होंने स्टार्टिंग में, ये जिंक की जो प्लेट है इसको पहले से उसने पॉजिटिव चार्ज दे के रखा, और उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट की, यूवी रेज, तो इस बार उन्होंने देखा कि ये जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज पहले से ज्यादा हो गया है, मतलब ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। तो इससे भी यही आइडिया लग रहा है कि जैसे इस पे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज या जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से इस पे पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा, पहले तो है ही कुछ ना कुछ। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से बाद में यही जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं वो कहानी अपने को समझ में आई कि जब भी किसी मेटल पर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। इसलिए अगर मेटल इनिशियली उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर मेटल पहले से ही नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या नेगेटिव चार्ज है उसका कम हो जाएगा तो उसका चार्ज जीरो बन जाएगा। उसके बाद अगर प्लेट पहले से पॉजिटिव है इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होने का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो ये कहानी थी होलवुड्स ऑब्जर्वेशन की। थर्ड था लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, इसको समझते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेनार्ड साहब ने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब, तो एक वैक्यूम ट्यूब ली उन्होंने, ये वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम का मतलब इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है। इसके अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड रखे, एक ये वाला इलेक्ट्रोड और एक ये, सपोज ये कैथोड है और ये है एनोड। उसके बाद उन्होंने इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा, उस सर्किट में उन्होंने यहाँ पर बैटरी लगाई और यहाँ पर उन्होंने करंट को मेजर करने के लिए एक माइक्रो एमीटर यूज किया। ये माइक्रो एमीटर है जो बहुत माइक्रो करंट को मेजर करता है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर उन्होंने एक की भी लगा सकते हो चाहो तो, इसकी को हम ऑन रखते हैं हमेशा। अच्छा उन्होंने क्या देखा कि ऐसे ये पॉजिटिव है बैटरी का टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो देखो अगर ये सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे तो इसमें करंट फ्लो होता है सर्किट में ऐसे, लेकिन यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इस कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, यूवी रेज, तो उन्होंने देखा कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है, क्लियर है कि नहीं। अब करंट फ्लो क्यों हुआ,
तो आंसर है कि जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उस अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़कर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये सर्किट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहे हैं तो इसमें जो करंट है वो ऐसे बन जाएगी। तो इससे भी अपने को ये आइडिया लगा कि जैसे ही इस कैथोड पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था ये चीज़ें बाद में, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया तो इस चीज़ को हम समझ पाए कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये सब चीज़ें हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज को इस पर इंसिडेंट करना बंद कर दें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी। तो ये थे तीन ऑब्जर्वेशन, हार्ट्स ऑब्जर्वेशन, होल वॉच ऑब्जर्वेशन एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो थैंक यू। बाकी जो हम डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, पहले